My name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you computer science class 11th and 12th, and in this I am teaching you Python and chapter number 4. And name of the chapter is mutable and immutable data type. This is the last lecture of 4th chapter. Okay, this is the last lecture of 4th chapter, and in this we discuss some more method about dictionary, okay. In this today we are first discuss from key. First we need to know what is from key method do. From key method हमारे पास क्या करता है? तो this method receive क्या करता है? This method receive a sequence of key. ये method क्या करता है? A sequence of key. ध्यान से देखना. This method receive a sequence of key. सीक्वेंस मतलब क्या होता है? हम मैंने पहले ही बता चुका हूँ इसके वीडियो में सीक्वेंस क्या होता है. क्या होता है बताओ आप लोग? सोचो सोचो. सीक्वेंस जो होता है क्या होता है? टपल को सीक्वेंस कहते हैं, लिस्ट को सीक्वेंस कहते हैं, स्ट्रिंग को सीक्वेंस कहते हैं. सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? हमारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, हमारा इंडेक्सिंग पॉसिबल हो. ठीक, तो सब लोग जान गए. तो दिस मेथड रिसीव अ सीक्वेंस ऑफ की. दिस मेथड रिसीव अ सीक्वेंस ऑफ की सच एज लिस्ट, टूपल और स्ट्रिंग. इट क्रिएट अ डिक्शनरी विथ ईच ऑफ दीज की. इट क्रिएट डिक्शनरी विथ ईच ऑफ दोज की. जो इसमें हमारे पास सीक्वेंस में जो हमें डेटा मिलेगा उसको ये की बना देगा. क्या बना देगा? उसको की बना के एक डिक्शनरी क्रिएट करेगा. एंड वी कैन स्पेसिफाई वैल्यू एज द सेकेंड आर्गुमेंट. और हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं एज द सेकेंड आर्गुमेंट. क्या कर सकते हैं? वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं एज द सेकेंड आर्गुमेंट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. मैं आशा करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे. तो देखिए इसका फायदा क्या है फ्रॉम की का. विथ द हेल्प ऑफ फ्रॉम की वी कैन असाइन वन वैल्यू और यू कैन से दैट सेम वैल्यू टू द मल्टीपल की. ओके, फ्रॉम की हेल्प से मल्टीपल की को हम एक ही वैल्यू या सेम वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं. जैसे हमने एक सीक्वेंस बना लिया और वो सीक्वेंस क्या है हमारा? लिस्ट है. सीक्वेंस क्या है हमारा? लिस्ट है, जिसमें हमने क्या किया? मंथ के नेम को मैंने एंटर किया. क्या किया मैंने? मंथ के नेम को एंटर किया. और वो मंथ का नेम एंटर किया है जो कितने डे रखते हैं? 31 डे रखते हैं. उसके बाद हमने एक डिक्शनरी बनाया मंथ. हमने क्या बनाया? एक डिक्शनरी बनाया मंथ. और उसमें हमने क्या किया? फ्रॉम की हेल्प से, पहले मैंने क्या किया? की पास कर दिया. ये लिस्ट मंथ क्या हो जाएगा? कैसे बिहेव करेगा? एज अ की बिहेव करेगा. और दूसरा आर्गुमेंट हमने क्या पास कर दिया? वैल्यू पास कर दिया. और वैल्यू कितनी हमारी? 31 है. उसके बाद जब मैं मंथ को प्रिंट करूंगा, तो ये क्या देगा हमें? वैल्यू देगा. ये क्या देगा हमें? एक डिक्शनरी देगा जिसमें सभी की जो है सेम वैल्यू को कंटेन की हुई है. देख लीजिए, दिसंबर, अक्टूबर, मार्च, मई, जुलाई, जनवरी, अगस्त, सारे क्या है? 31 डे रखते हैं. तो सारे की वैल्यू क्या है हमारा? 31 डे है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. सब लोग इसे समझ गए होंगे. हम लिस्ट की जगह टूपल और स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं. अपने जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं. ठीक ना, हमें ज़्यादा समझ में आएगा. क्या होगा हमें? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक लिस्ट क्रिएट करना होगा. तो हमने लिस्ट का नाम क्या रख दिया? मंथ नेम. ठीक ना, हमने लिस्ट का नाम रख दिया मंथ और नेम.
अब इसमें हमने कुछ मंथ के नेम हमने दे दिए, ठीक ना, इसमें हमने क्या किए, कुछ मंथ के नेम दे दिए, और उस मंथ का नेम हमने किस में दिया, लिस्ट में दिया। जैसे मैंने क्या कर दिया, जैन दे दिया, ठीक ना, मैंने क्या दे दिया, जैन दे दिया, जनवरी। अब मैंने क्या दे दिया, मार्च दे दिया, MARCH, मार्च दे दिया। अब मैंने क्या दे दिया, ऐसे ही एक दो मंथ और दे दे रहा हूँ, अब मैंने क्या दे दिया, दिसंबर दे दिया, दिसंबर दे दिया, ठीक। अब मैंने अभी तीन ही नाम दिया, ठीक। अब ये क्या, अब मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाया, और वो डिक्शनरी कैसी है, हमारा एम्पटी डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी कैसी है, हमारी एम्पटी डिक्शनरी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, की और वैल्यू किसके हेल्प से एंटर कराएंगे, फ्रॉम की मेथड की हेल्प से। तो हमने डॉट लगाया और क्या यूज किया, फ्रॉम की मेथड, क्या यूज किया, फ्रॉम की मेथड, ठीक, सब लोग समझ गए, फ्रॉम की मेथड मैंने यूज किया। और फ्रॉम की किसके लिए यूज किया, फ्रॉम की किसके लिए यूज किया, फ्रॉम की मैंने यूज किया की और वैल्यू को एंटर कराने के लिए। तो पहला इसका आर्गुमेंट जो होगा वो हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस मतलब मंथ नेम, क्या होगा हमारा, मंथ नेम होगा, ठीक ना। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, आर्गुमेंट वैल्यू, दूसरा आर्गुमेंट हमारे पास क्या होता है, वैल्यू। वैल्यू मैंने क्या डाल दिया, सब की को एक ही वैल्यू दे दी, और वो वैल्यू क्या है हमारा, 31 है। क्या है वो वैल्यू, 31 है, सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा, उसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा किसको, मंथ को, किसको, मंथ को, ठीक ना। देखिए मंथ की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक ना, तो आप लोगों को भी जो स्पेलिंग लिखेंगे वही स्पेलिंग प्रिंट फंक्शन में भी देंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मंथ की स्पेलिंग कुछ और लिख दिया डिक्शनरी में और प्रिंट फंक्शन में कुछ और पास कर दिया, ठीक ना। ऐसे सिचुएशन में क्या देगा, वो एरर देगा। जो वैल्यू हम मंथ की डिक्शनरी का नाम देते वक्त देंगे वही स्पेलिंग हम मंथ की प्रिंट फंक्शन में पास करते वक्त देंगे। और जब मैं इसको रन कराऊंगा, जब मैं इसको रन कराऊंगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जैन मार्च और दिसंबर हमें हमारे पास किस तरह ट्रीट होंगे, की तरह ट्रीट होंगे, और इन सब की वैल्यू क्या होगी, 31, 31 एंड 31 होगी। क्या होगी, 31, 31 एंड 31 होगी। देख लीजिए आप, जैन मार्च और दिसंबर किस तरह ट्रीट हुए, की तरह, और 31, 31, 31 किस तरह ट्रीट हुआ, वैल्यू की तरह। तो हमारे पास फ्रॉम की क्या करता है, फ्रॉम की एक्सेप्ट अ सीक्वेंस एज अ की, एक्सेप्ट एज अ सीक्वेंस एज अ की, एंड इन विच वी प्रोवाइड सेम वैल्यू टू द ऑल ऑल वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, ठीक ना। और वो वैल्यू जो होगी सीक्वेंस की, वो ट्रीट होगी किसकी तरह ट्रीट होगी, एक की तरह ट्रीट होगी, किसकी तरह ट्रीट होगी, की तरह ट्रीट होगी। तो इसको आप लोगों ने करके देख लिया, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं दिस, अरे आगे बात करते हैं हम गेट मेथड की। किसकी बात करेंगे हम आगे, गेट मेथड की। देखो गेट मेथड क्या होता है, ठीक ना, दिस मेथड रिटर्न अ वैल्यू फॉर गिवन की। ये क्या करेगा, गिवन की वैल्यू रिटर्न करेगा। दिस मेथड रिटर्न अ वैल्यू फॉर द गिवन की, इफ द की इज नॉट अवेलेबल देन इट रिटर्न डिफॉल्ट वैल्यू नन। तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक डिफॉल्ट वैल्यू नन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एक हमने एम्प्लॉई नाम का क्या बनाया, डिक्शनरी बनाया, और इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि नेम की को प्रेजेंट किया, नेम की को हमने प्रिंट किया गेट मेथड की हेल्प से। किस मेथड की हेल्प से, गेट मेथड की हेल्प से। तो देखिए नेम की वैल्यू क्या है, राम है, तो ये क्या देगा आउटपुट में, हमें राम देगा। दूसरी बार हमने क्या किया, एड्रेस प्रिंट कराया, एड्रेस प्रिंट कराया गेट मेथड की हेल्प से। तो अच्छा ये देखो इस डिक्शनरी में कहीं एड्रेस नाम का की प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या देगा हमें आउटपुट, नन देगा। क्या देगा ये आउटपुट हमें, नन देगा। तो देखो नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज राम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय इज नन, एड्रेस क्या देगा ये हमें, नन देगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं, हम करके देखते हैं कि हमें ये सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हम क्या करके देखते हैं, हम करके देखते हैं कि ये हमें सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं, मतलब ये हमें नन दे रहा है कि नहीं, क्या दे रहा है कि नहीं, नन दे रहा है कि नहीं, और उससे रिलेटेड हमें आउटपुट दे रहा है कि नहीं, ठीक ना, ये हम करके देखते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी रही, क्या रही, ये हमारे पास डिक्शनरी रही।
और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई इज, नेम ऑफ द एम्प्लॉई इज, ठीक ना। नेम क्या है एम्प्लॉई का, हमें मालूम है नेम जो है एम्प्लॉय का क्या क्या है, हमें मालूम है ना, हमें मालूम है, लेकिन इसको नहीं मालूम है। तो इसको मालूम, इसको कैसे हम बताएंगे कि एम्प्लॉय में गेट मेथड का यूज करेंगे और इसमें हम पास कर देंगे नेम को एज अ की, क्या पास कर देंगे, नेम को एज अ की। अब ये क्या प्रिंट करेगा, नेम प्रिंट करेगा, किसका नेम प्रिंट करेगा, नेम में जो नेम हमारे पास स्टोर है। और दूसरा हम प्रिंट कराते हैं, एक और स्टेटमेंट हम प्रिंट कराते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एड्रेस प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, एड्रेस प्रिंट कराएंगे, किसका एड्रेस प्रिंट कराएंगे, एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हम प्रिंट कराएंगे, ठीक ना, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय इज, एड्रेस जो है एम्प्लॉय का हम वो प्रिंट कराएंगे। और वो किसके हेल्प से प्रिंट कराएंगे बताइए, वो किसके हेल्प से प्रिंट कराएंगे, गेट मेथड की हेल्प से, किसके हेल्प से प्रिंट कराएंगे, गेट मेथड की हेल्प से। तो हमने क्या किया, गेट किया, और इसमें हमने क्या पास कर दिया, की पास कर दिया, एड्रेस, क्या मैंने की पास कर दिया, एड्रेस की पास कर दिया, ठीक। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं, मैंने क्या बोला कि इसको रन करा के देखते हैं ये हमें क्या क्या आउटपुट देता है, ये हमें आउटपुट सही देता है कि नहीं देता है, हम ये क्या करते हैं, रन करा के इसको देखते हैं, हम क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रन कराया, मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने जैसे ही इसको रन कराया, ये हमें आउटपुट क्या देगा, नेम का आउटपुट देगा, और हमें एड्रेस इसके पास की प्रेजेंट नहीं है, तो ये एड्रेस की एड्रेस में क्या देगा, नन देगा, ठीक ना। तो अब मैं इसको रन करा दिया हूँ, थोड़ी देर में हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, थोड़ी देर में हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या देता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ एम्प्लॉय इज रमेश दिया, और एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय इज नन दिया, एड्रेस क्या दिया एम्प्लॉय का, नन दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये नन ना प्रिंट करे, क्या करे, ये नन ना प्रिंट करे। अब एड्रेस तो की है ही नहीं ना, एड्रेस की हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू नन क्यों प्रिंट कर रहा है, हमें मैसेज देना कि की इज नॉट फाउंड या वैल्यू इज नॉट फाउंड, कुछ इस तरह का मैसेज दे। तो हम क्या कर सकते हैं, गेट फंक्शन में एक दूसरा आर्गुमेंट पास करेंगे, गेट फंक्शन में एक दूसरा आर्गुमेंट पास करेंगे, और वो आर्गुमेंट नन की जगह हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन में प्रिंट होगा। हमने क्या दे दिया, की इज नॉट फाउंड, हमने क्या दे दिया, की इज नॉट फाउंड, की इज नॉट फाउंड, ठीक ना, नॉट फाउंड। तो ये सही है ना, की हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो हमें क्या मैसेज दे, कि हमारा की जो है वो प्रेजेंट नहीं है हमारे डिक्शनरी में, हमें ये मैसेज दे। तो हमने क्या कर दिया, दूसरा आर्गुमेंट गेट फंक्शन, गेट मेथड में हमने पास कर दिया, और जिसमें हमने क्या कह दिया कि की इज नॉट फाउंड। अब ये हमें नन नहीं देगा, अब ये हमें नन नहीं देगा, अब हमें क्या देगा, की इज नॉट फाउंड देगा, क्या देगा, ये हमें मैसेज देगा, और वो मैसेज क्या होगा, जो मैसेज हम इसमें पास किए होंगे सेकेंड आर्गुमेंट में, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं क्लियर मेथड की, किसकी बात करते हैं, क्लियर मेथड। दिस मेथड यूज टू क्लियर द डिक्शनरी, ये मेथड किस लिए यूज होता है, डिक्शनरी को क्लियर करने के लिए, मतलब डिक्शनरी को एम्प्टी करने के लिए, मतलब डिक्शनरी से सभी डेटा को डिलीट करने के लिए, क्या करने के लिए, डिक्शनरी से सभी डेटा को एट अ टाइम डिलीट करने के लिए ये मेथड हमारा यूज होता है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं, हम इसको करके देखते हैं ये कैसे यूज होगा, काफ़ी आसान मेथड है, मैंने क्या बोला, ये काफ़ी आसान मेथड है, और इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें हमें क्या नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस हम क्या करते हैं, डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, हमारे डिक्शनरी का नाम क्या है, एम्प्लॉई। उसके बाद मेथड को हम जानते हैं कैसे यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं, और उसके बाद हम क्लियर, क्लियर मेथड का हम यूज करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल, अब हम इसके बाद जब हम प्रिंट कराएंगे एम्प्लॉय को, तो हमारा एम्प्लॉय क्या प्रिंट होगा, एक ब्लैंक डिक्शनरी प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा हमारा एम्प्लॉय, एक ब्लैंक डिक्शनरी प्रिंट होगा, ठीक है ना। कैसी डिक्शनरी प्रिंट होगा,
ब्लैंक डिक्शनरी प्रिंट होगा, मतलब उसके सारे एलिमेंट हमारे क्या हो चुके होंगे, डिलीट हो चुके होंगे, उसके सारे एलिमेंट क्या हो चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन किया तो आप देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला, हमें ब्लैंक डिक्शनरी मिला। देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला, एक ब्लैंक डिक्शनरी मिला। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने अगले मेथड पे चलते हैं, और हमारा अगला मेथड है कॉपी मेथड। हमारा अगला मेथड क्या है, कॉपी मेथड। देखो ये मेथड क्या करता है, कॉपी मेथड इज यूज टू मेक अदर कॉपी ऑफ द सेम डिक्शनरी। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कॉपी मेथड इज यूज टू मेक अदर अदर कॉपी ऑफ सेम डिक्शनरी, मतलब सेम डिक्शनरी की एक दूसरी कॉपी बना देगा कॉपी मेथड, ठीक ना। तो ये चलिए कैसे यूज होता है हम इसको करके देखते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में करके देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आसान मेथड है। ये क्या है हमारा, काफ़ी आसान मेथड है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी का नाम है एम्प्लॉई, एंड हम मेथड कैसे यूज करते हैं, वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, मेथड को यूज करते हैं, ठीक ना। अब ये मेथड क्या करेगा, इस एम्प्लॉई नाम का एक कॉपी बना देगा। क्या करेगा, इस एम्प्लॉई नाम के डिक्शनरी का एक कॉपी बनाएगा, और जो कॉपी बनाएगा उसको ये रिटर्न करेगा। उसको क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न करा के हमने बी नाम के एक दूसरे डिक्शनरी में हमने क्या किया, स्टोर करा दिया। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट कराऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं प्रिंट कराऊंगा बी को, किसको प्रिंट कराऊंगा, बी को, तो आप देखना एज इट इज एम्प्लॉय डिक्शनरी को ही प्रिंट करेगा। किसको प्रिंट करेगा, एज इट इज एम्प्लॉय डिक्शनरी को ही प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि डी में हमने क्या किया है, एम्प्लॉय डिक्शनरी का ही कॉपी करके हमने किस में डाल दिया है, डी में डाल दिया है। तो देखिए एम्प्लॉय डिक्शनरी का जस्ट कॉपी कॉपी ही हमें क्या किया, प्रिंट करा के दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसके अभी तक जितने वीडियो आए हैं चैप्टर नंबर 4 का, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि उन सारे वीडियो को देखिए। अगर कोई दिक्कत है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कमेंट करके पूछिए, या हमारा नंबर लीजिए आप अपने सेंट एंजर पब्लिक स्कूल ग्रुप से, और हमें हमें कॉल करिए या हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा वीडियो बना के डालेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम भी लगा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कहीं भी 1% डाउट हो इस चैप्टर में, ठीक ना। तो आप लोग पूरा मेहनत कीजिए, और कल का जो वीडियो मिलेगा उसमें मैं कुछ प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, और उसके बाद कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उनको आप याद करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा बेटर बना सकें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।